हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से राम राम सारा ने। गुड इवनिंग, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल परी व्लॉग में। तो आज की वीडियो हम बात करते हैं ताराहुल व्लॉग की, जो कि हिमाचल से हैं और इनका नाम है तारा और उनके हस्बैंड का नाम है राहुल। ठीक है, तो आज की वीडियो हम बात करते हैं ताराहुल और चैनल का नाम है ताराहुल व्लॉग। तो आज की वीडियो में बात करते हैं ताराहुल व्लॉग की। वैसे भी अगस्त के महीने में बहुत सारी ऐसी हैं जो डिलीवरी हुई हैं, चाहे स्वामित की हो चाहे रिंकू की हो। स्वामित को बेटा हुआ है, रिंकू को बेटी हुई है। तो अगस्त महीने में बहुत सारे हमारे यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनके घर में बेबी आया है, चाहे बेबी गर्ल्स आई हो चाहे बेबी बॉय आया हो। तो उनमें से ही अब एक घर बचता है, तो उन्हीं में से हमारा एक कपल और है, राहुल और तारा। राहुल और तारा ने भी लव मैरिज की थी। ठीक है, देखने में तो दोनों बच्चे लगते हैं क्योंकि अभी अच्छे से मैच्योर नहीं है, मुझे लग बहुत कम एज है दोनों की। दोनों ने लव मैरिज की थी, जबकि जो राहुल है वो मिलिट्री में है और जो तारा है वो ब्लॉगिंग करती है। तो अब जल्दी ही तारा और राहुल के घर में भी एक छोटा सा बेबी आने वाला है। राहुल फौज में है इसलिए उसका आना बहुत कम होता है घर पर। अभी भी वो मेरे ख्याल से पाँच सात महीने में वापस घर आया है, क्योंकि मिलिट्री वालों को यही होता है कि वो इनकी जो पोस्टिंग होती है बहुत लंबी लंबी होती है, क्योंकि देश के लिए लड़ते हैं, देश की सेवा करते हैं। जय जवान जय किसान। तो इनका जो है अभी राहुल जो है वो छुट्टी आया हुआ है, क्योंकि लोग छुट्टी भी बहुत लंबी छुट्टी आते हैं, एक डेढ़ महीने, क्योंकि छुट्टी पाँच सात महीने में एक बार घर आते हैं। तो अभी जो तारा है उसकी डिलीवरी डेट कल की दी हुई थी डॉक्टर्स ने, 13 अगस्त की। तो उसने आज की वीडियो बताया था कि उसकी फर्स्ट डिलीवरी है, तो उसे अभी इतना एक्सपीरियंस नहीं है कि बेबी कैसे होता है। तो उसने बोला था कि मुझको ना कोई दर्द हुआ ही नहीं, मुझको कोई पेन हुआ ही नहीं, और 13 तारीख भी निकल गई तो कल को मुझे डॉक्टर के पास जाना होगा। तो आज वो डॉक्टर के पास गई थी, लेकिन आयु वो छोटी है, मैच्योर नहीं है अच्छे से। खुद वो एक बच्ची है और अपने एक बच्चे को जन्म भी देने वाली है, लेकिन तो डॉक्टर की जो अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट होती है 9 मंथ की, तो उसमें डेट निकल के आ जाती है कि इस डेट को डिलीवरी होनी है। लेकिन तारा ऐसे नहीं होता है कि जो डेट डॉक्टर ने दी है अल्ट्रासाउंड में उस डेट को ही डिलीवरी होती है, उससे पहले भी हो जाती है और उससे बाद में भी हो जाती है। ये सब ऊपर वाले का है, जब ऊपर वाला चाहता है जब भी डिलीवरी होगी। डॉक्टर की दी गई डेट से कभी डिलीवरी नहीं होती है, टाइम पर कभी नहीं होती है डॉक्टर वाली डेट पर, तो हमेशा आगे पीछे होता रहता है। और रही दर्द की बात, तो इस पहले जब मेरा फर्स्ट बेबी हुआ था तो मुझे भी ऐसा लगता था कि अरे थोड़ा जो छोटा मोटा थोड़ा बहुत दर्द होता है पेट में, ऐसे ही दर्द होता होगा, हो जाएगा, कोई बात नहीं, मेरे भी दर्द वर्द नहीं हो रहा है। लेकिन जब वो दर्द होता है ना बच्चा होने वाला, तो तुम बिलीव नहीं करोगी, तुम ये कहोगी टेम्पर वहाँ लेट कर भगवान आज बचा ले, बस आज के बाद दोबारा ये गलती कभी नहीं होगी। क्योंकि इतना पेन होता है, इतना पेन होता है जिसकी 206 हड्डियाँ होती हैं हमारे शरीर में, 206 हड्डियाँ टूटने का दर्द जितना होगा ना, ये देख लो एक हड्डी टूटने का दर्द कितना होता है, तो 206 हड्डी टूटने का दर्द कितना होगा, इतना ज़्यादा पेन होता है। बट डोंट वेरी, जब बेबी हाथ में आता है तो सारा दर्द इग्नोर हो जाता है, बिल्कुल भी दर्द नहीं होता है, सब दर्द जो होता है वो छूमंतर हो जाता है। ठीक है, और अभी तुम्हारा फर्स्ट है तो तुम्हें पता चलेगा अभी कि दर्द कैसे कितना, मतलब एक औरत जो कहते हैं ना कि दूसरा जन्म लेती है, तो ये बात बिल्कुल सच है। बच्चा पैदा करने में ना एक औरत दूसरा जन्म लेती है, इतना ज़्यादा दर्द होता है। लेकिन मैं तुम्हें कुछ डराने गई हूँ, लेकिन उसके बाद जो रिजल्ट आता है ना वो बहुत अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है जब अपना बेबी अपना बच्चा अपने हाथ में होता है। तो तारा की डिलीवरी डेट थी वो 13 थी, लेकिन 13 को उसको पेन नहीं हुआ, उसको लगता है कि तभी जो डिलीवरी डेट उसमें दी गई है उसके हिसाब से दर्द होता है, तो ऐसे नहीं होता है। तारा की डिलीवरी थी अभी 1-2 दिन में हो जाएगी। आज डॉक्टर के पास गई थी तो डॉक्टर कल बताएगी कि डॉक्टर ने क्या बोला है। तो डॉक्टर यही बोलेगा कि 1-2 दिन वेट कर लो आप, उसके बाद देखते हैं। और बेबी बैग हॉस्पिटल बैग उसने पैक कर लिया है, राहुल उसके पास है ही, तो डोंट वेरी, कुछ ही दिनों में खुशखबरी मिल जाएगी, 1 या 2 दिन में तारा की भी डिलीवरी हो जाएगी और तारा के पास भी छोटा सा बेबी हो जाएगा। तो इस वीडियो करते हैं यहीं पर एंड, और फिर मिलते हैं आपको अच्छे से नई वीडियो के साथ, न्यू अपडेट के साथ।
और बेस्ट ऑफ लक तारा एंड राहुल। और वैसे लोगों को लगता है कि तारा को बेबी गर्ल होगी, मुझे भी लगता है कि तारा को ना बेबी गर्ल होगी, पता नहीं क्यों मुझको लगता है कि उसको बेबी गर्ल होगी। और वो तो अब टाइम बताएगा एक आध दिन में कि उसको बेबी गर्ल होती है या बेबी बॉय होता है। जहाँ तक मुझे लगता है अपना 100% कि उसको बेबी गर्ल होगी, और देखते हैं किस पता तो ऊपर वाले को है कि बेबी गर्ल है या बेबी बॉय, कुछ भी हो चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉय हो, बस अच्छे से हो जाए तारा और राहुल, पर दोनों का बच्चा ठीक रहे, तारा भी अच्छी रहे और बेबी भी अच्छा रहे, दोनों अच्छे से हॉस्पिटल जाएँ और से वापस घर आए और फिर हमें अच्छे अच्छे लोग देखने के लिए मिले। तारा को मैं इसलिए पसंद करती हूँ सब लोग देखना, क्योंकि उनका जो वहाँ का वेदर है ना, जो नेचर है ना, वो बहुत अच्छा लगता है मुझे। पहाड़ों में रहना, पहाड़ देखना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मुझे तारा के राहुल जब मैंने स्टार्टिंग करी देखनी तो मैंने सिर्फ इसी वजह से की थी कि वहाँ का नेचर और वहाँ के बैकग्राउंड जो होता है ना उसकी वीडियो के पीछे का, वो बहुत अच्छा लगता है। और अब धीरे धीरे उसकी वीडियो देखने की आदत पड़ गई, हम उसके सब्सक्राइबर बन गए और आज आपको उसकी गुड न्यूज़ भी दे रहे हैं। तो चलिए बाय बाय, फिर मिलते हैं आपको अच्छी सी और गुड न्यूज़ के साथ।